इन फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मौर्य स्नेक्स। और आज की रेस्क्यू कॉल है गोंडा जिला के रामापुर कुसावा गांव से। मौका पे हम पहुंच चुके हैं और यहां से जो भी जीव जंतु निकलते हैं, इस गांव के लोग काफ़ी जागरूक हैं, हमें सूचना देते हैं, हम तत्काल आते हैं रेस्क्यू करते हैं। आइए देखते हैं कौन सा स्नेक है और कहाँ पर छिपा हुआ है। आइए सर बताइए कहाँ पर। इधर माता जी, कोई टच दीजिए। आप देख रहे हैं कि किचन है और किचन में खाने पीने की काफी सामग्री होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे भोजन बनता है और अनाज यहाँ पे रखे हुए होते हैं और इन्हीं के पीछे चूहा आते हैं, अनाज के पीछे, और अनाज के पीछे चूहा आते हैं और चूहों के पीछे हमारे घर में प्रायः स्नेक आया करते हैं। और लोगों का कहना है कि इधर ही अनाज के पास कोई स्नेक आया हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा चूहा है और इन्हीं के चक्कर में हमारे घर में सांप आया करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडियन रेड स्नेक सांप है और ये अभी बेबी है, बच्चा है, और ये काफी अग्रेसिव है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सिलेंडर ए चूहा के नीचे छिपा हुआ है। ज्यादा अग्रेसिव है, नहीं नहीं। आप देख रहे हैं कि छुड़ाने के लिए, हमारे हाथ से छुड़ाने के लिए अपने शरीर को कैसे अब देख रहे हैं कैसे काटने का प्रयास कर रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ छुड़ाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहा है। अपना इस इधर से आ जाइए। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, किंतु मौका पे अग्रेसिव है, काटने का प्रयास कर रहा है। चढ़ेन जात है, हटाई जाओ। इस गांव के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो कोई भी जीव जंतु निकलता है, जानते हैं कि बिना जहर वाला हो सकता है, नॉन वेनिमस है, फिर भी हमें लोग सूचना देते हैं, मारते नहीं हैं। इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश हैं, पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने में हम लोगों का सहयोग करते हैं। और चूहों को ये नियंत्रित करते हैं। अगर किसी को ऐसे स्नेक बाइट कर ले, काट ले, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बिना जहर वाले होते हैं, इनके पास कोई जहर नहीं होता है। आप देख रहे हैं कैसे अटैक करने की मुद्रा में है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, और प्रायः ही 8 कलर में पाए जाते हैं। उन कलर में से एक खूबसूरत कलर में है। इसके शरीर के आप देख सकते हैं कैसी कैसी डिजाइन बनी हुई है। इनके आंख के पास ऐसे लाइनिंग होती है, आप देख रहे हैं इनकी आंखें काफी बड़ी होती हैं, गला पतला होता है, और प्रायः इनकी लंबाई बढ़ के 12 फीट के आसपास हो जाती है।
किंतु अभी बेबी है, बच्चा है, अभी अधिक से अधिक इसकी लंबाई 3-3.5 फुट के आसपास होगी। अब इन्हें हम पैक करते हैं, उनके प्राकृतिक परिवेश में, इनके नेचर में रिलीज कर देंगे। ये थैला लाइएगा, इसमें तो पैक करते हैं, उनके प्राकृतिक परिवेश में, नेचर में रिलीज कर देंगे, जहाँ पे अपना जीवन या आसानी से व्यतीत करेंगे निर्भय होकर के, क्योंकि इंसानी बस्ती में रहने से इन्हें खतरा बना रहता है, लोग डरे हुए होते हैं, किंतु इस गांव के लोग काफ़ी जागरूक हैं। इन ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन जीव जंतुओं को बचाने में सदैव तत्पर रहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ के क्षेत्रवासी की अवधी भाषा, यहाँ की अवधी भाषा कितना प्यारी लगती है, कैसे कैसे लोग बोल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है सुन के। और इन्हें हम पैक कर चुके हैं, उनके प्राकृतिक परिवेश में, नेचर में इन्हें रिलीज कर देंगे, जहाँ पे अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकेंगे। और इसने को हम प्राकृतिक परिवेश में, नेचर में रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। ये गोंडा जिला के रामापुर कुशावा गांव से जगनारायण जायसवाल ने हमें सूचना दिया, मौका पहुंचे और इसने को रेस्क्यू किए, और मौका पे हम पर्यावरण में रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत फॉरेस्ट है, यहाँ पर अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकेगा निर्भय होकर के, क्योंकि इन्हें इंसानी बस्ती में रहने से खतरा बना हुआ होता है और लोग डरे हुए होते हैं, डरे हुए होने के कारण लोग मार देते हैं। पर इस गांव के लोग इतना जागरूक हैं कि कोई भी जीव जंतु निकलता है हमें तत्काल सूचना देते हैं। इनका इतना सुंदर विचार, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसने को हम प्राकृतिक परिवेश में, नेचर में रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। इंडियन रेड स्नेक बेबी है और ये काफ़ी एग्रेसिव है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा इंडियन रेड स्नेक आप देख रहे हैं, आपसे आप लोग कई बार देख ही चुके हैं, कितने सुंदर होते हैं, कितने प्यारे होते हैं। और ये ज़्यादा बेबी होने के कारण ज़्यादा अग्रेसिव भी है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा, कितना खूबसूरत, पूरा सुंदर। और इस स्नेक को हम प्राकृतिक परिवेश में, नेचर में रिलीज करने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा इंडियन रेड स्नेक आप देख रहे हैं प्राकृतिक परिवेश में जाने के लिए जल्दी में है, और इन्हें हम फॉरेस्ट में रिलीज करने के लिए तो आए हुए हैं, और ये जाना चाह रहे हैं, और इन्हें हम रिलीज करते हैं और यहाँ पे अपना ये जीवन आसानी से व्यतीत करेंगे। हमारा ये जंतु बचाने के कार्य आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी जंतु को हम फॉरेस्ट में रिलीज करते हैं ताकि अपने नए घर में जाके अपना जीवन आसानी से व्यतीत करें। आप देख सकते हैं स्नेक कितना फुर्ती और कितना खूबसूरती के साथ फॉरेस्ट में जा रहा है। और स्नेक अपने प्राकृतिक परिवेश में जा चुका है। अपना कीमती समय देकर इसी वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।